हर क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को सीखने की ऐसी ललक लगी है कि उसने कई उपकरण तैयार कर दिए हैं। अब उस शख्स को प्रोजेक्ट सर के नाम से पहचाना जा रहा है। नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर उरई। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उपकरण को आप देखिए, यह उपकरण एक वर्षा सूचक नाम के सिस्टम से बनाया गया है। इस उपकरण को बनाने के लिए कुछ आवश्यक सामग्री का प्रयोग किया गया है। जैसे आप देखें, ये 9 वोल्ट बैटरी लगी हुई है, ये DC बैटरी होती है, यानी कि कलेक्शन ऑफ ग्रुप सेल, यानी कि सेलों के समूह से ये मिलकर बनाई जाती है। आपका ये पोल दिख रहा है, ये पाइप का एक पोल बनाया गया है स्टैंड। जैसे हम सेंसर पोल के नाम से जानते हैं, इसके अंदर कंप्लीट डिवाइस चिप लगी हुई है। इस कंप्लीट डिवाइस चिप में 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, एक PNP और एक NPN। ट्रांजिस्टर के साथ में इसमें 220 ओम रेजिस्टेंस, 10K 100K रेजिस्टेंस का कलेक्शन है और एक बजर लगा हुआ है, DC बजर। ऊपर आप देखिए, एक स्केल के ऊपर हमने एक सेंसर बनाया हुआ है, जिसे हम रैन सेंसर के नाम से जानते हैं। कंप्लीट प्रोजेक्ट को एक हार्ड बोर्ड के ऊपर हमने पूरा सेट किया हुआ है। इसकी वर्किंग हम आप लोगों को बता दें, वर्किंग कहिए या आप कहिए थ्योरी, जब हम इस सेंसर पर पानी की बूंदें डालते हैं, तो पानी की बूंदें डालने से इसमें जो सेंस सिग्नल मिलता है, वो सेंस सिग्नल ट्रांजिस्टर्स के इनपुट विभाग में, यानी कि ऑसिलेशन सेक्शन में पहुंचता है। कोई भी ट्रांजिस्टर का ऑसिलेशन सेक्शन वह विभाग है जो किसी भी सिग्नल को ऑसिलेट करता है। जैसे आपका वॉइस का है तो वो वॉइस को ऑसिलेट करेगा, आपका एम्पलीफायर का है तो वो एम्पलीफायर को ऑसिलेट करेगा। तो वह सेक्शन जो स्टार्टिंग में किसी भी सिग्नल को सेंस करे, सेंस करने के बाद में आउटपुट विभाग को सिग्नल भेजे, वह ऑसिलेशन, यानी किसी चीज़ का ऑसिलेशन होना। तो ये जो सिग्नल है वर्षा सूचक यंत्र के, यानी कि पानी की जो सेंस सिग्नल है, वो वायर के द्वारा पाइप के अंदर से जो चिप लगी हुई है इसके ट्रांजिस्टर्स पर पहुँचते हैं। जब ये सिग्नल ट्रांजिस्टर्स पर पहुँचते हैं तो ट्रांजिस्टर्स एक्टिवेट होकर इन सिग्नलों को आगे फॉरवर्ड कर देता है। फॉरवर्ड करने के लिए जो रिसीव सेक्शन लगा रहता है, उसे आउटपुट विभाग कहते हैं। हमेशा आप लोग याद रखें, आउटपुट वह विभाग होता है जिसमें किसी भी चीज़ का रिजल्ट मिलता है। अगर वॉइस का आउटपुट विभाग है तो हमें लाउड एंड यानी हाई आवाज़ मिलेगी। अगर मोटर विभाग का कोई आउटपुट सेक्शन है तो हमें हाई स्पीड में उसकी मोटर की स्पीड मिलेगी। तो आउट विभाग में ये सिग्नल पहुंच जाते हैं। स्टार्टिंग में ऑसिलेशन में सेक्शन में पहुँचेंगे, ऑसिलेशन में कुछ सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे वो री एम्पलीफाई करके आपका आउटपुट विभाग को सिग्नल को भेज देता है। हमेशा याद रखें, आउटपुट विभाग में यदि किसी सिग्नल को हम माइनस से प्राप्त करेंगे, यानी माइनस का मतलब ट्रांजिस्टर्स के हम कलेक्टर से प्राप्त करेंगे, तो ध्यान रखें हमेशा आपकी उस ट्रांजिस्टर का एमिटर ग्राउंड किया जाता है। किसी सिग्नल को हम अगर प्लस सेक्शन से प्राप्त करेंगे, यानी कि ट्रांजिस्टर के प्लस सप्लाई से हम प्राप्त करेंगे, तो एमिटर से हम उसकी प्लस सप्लाई से उसको प्राप्त करेंगे और उसका जो कलेक्टर है वो आपका ग्राउंड किया जाता है। तो NPN ट्रांजिस्टर्स को इस प्रकार फंक्शन है, जिसे आप आगे लर्न करें, सीखें।
और लर्न करने के बाद में आप उसको गौर करें। तो ट्रांजिस्टर जब आउटपुट भाग को सिग्नल भेजता है तो यहाँ आउटपुट विभाग में एक बजर अटैच है, उस बजर से हमें बीप सुनाई देती है तो हमें ज्ञात हो जाता है कि वर्षा की सूचना देने वाला उपकरण हमारा रीएक्टिवेट हो गया और हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बरसात हो रही है। संपूर्ण प्रोजेक्ट को हम जब ऑन करेंगे तो ये आप देख रहे हैं जो एक सेक्शन हमने इसको ओपन कर रखा है, इसको हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कर दिया हमने। कनेक्ट करने के बाद में अब पानी की कुछ बूंदें, जैसे ही हम ये देखिए इसमें गिलास में पानी है, पानी की कुछ बूंदें हम इस सेंसर पर डालेंगे। देखें आप, सेंसर को साफ कर देंगे, आपकी बीप बंद हो जाएगी। ये देखिए पीछे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, प्लान है। जैसे ही सेंसर पर पानी की बूंदें गिरेंगे, ये देखिए ये सेंस करने लगा, तो हमें इन्फॉर्मेशन यानी कि रेन इन्फॉर्मेशन वर्षा की सूचना में मिलने लगी। जैसे ही सेंसर से पानी साफ किया जाएगा आपकी वॉइस बंद हो जाएगी, ये देखिए। फिर सेंसर पर जैसे ही पानी गिरेगा ये सेंस करने लगेगा। तो देखा आप लोगों ने, इस प्रोजेक्ट को हम वर्षा सूचक यंत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आपको यह प्रोजेक्ट कैसा लगा? यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमें लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सरोरई, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अपना कीमती समय दे के हमारे प्रोजेक्ट पर पड़े हुए, हमारे प्रोजेक्ट हैं जो यूट्यूब पर पड़े हुए, उनके वीडियो आप लोग देखते हैं। नमस्कार।